स्वागत है फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पर। आज जो दिल्ली और एमआई के बीच में मुकाबला खेला गया वो भी काफ़ी हाई स्कोर मुकाबला हुआ, और जिसमें सबसे पहले तो दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी करने उठे जे फ्रेजर और पेरोल, इनकी जो पार्टनरशिप हुई वो 105 के करीब पार्टनरशिप थी। इनका पहला विकेट गिरने तक जे जो फ्रेजर था उन्होंने अपना जो कि 27 बॉल पर 84 रन की पारी के लिए, ऐसा लग रहा था कि क्रिस गेल का रिकॉर्ड जो 30 बॉलों पर सेंचुरी का था वो ऑलमोस्ट टूटने ही वाला था। वो शॉट जो उन्होंने खेला था अगर थोड़ा वो अच्छे से टाइम होता डेफिनेटली क्रिस गेल का रिकॉर्ड इसी मैच में टूट सकता था। और जो जैक फ्रेजर हैं वो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं डेफिनेटली दिल्ली के टीम को एडवांटेज तो है, और यहाँ के पिचों का वो अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ऑन द आप शॉट खेलना और जो बॉल है बॉल को टाइम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और जिस तरह से पिचे बनाई गई हैं, एक अंडर 19 का लड़का जो कि 22 साल का है जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलता भी नहीं है, ना अनकैप प्लेयर है, जो इंडिया में आकर धूम मचा रखी है जिस तरह से बल्लेबाजी की है। उन्होंने आज 11 चौके और 6 छक्के लगाए, 27 बॉल में 16 बॉल तो उनकी बाउंड्री के पार चली गई। अब देखना होगा कि ये बल्लेबाज किस तरह से दिल्ली को और ऊपर ले जाता है, क्योंकि आज जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है डेफिनेटली क्रिस गेल का रिकॉर्ड तो टूटने वाला था, नहीं टूट पाया अनफॉर्चुनेटली उनकी बल्लेबाजी के हिसाब से। जो 15 बॉल पर उन्होंने अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट की, इससे पहले भी उन्होंने 15 बॉल पर ही हाफ सेंचुरी कंप्लीट की थी, लेकिन उस गेम में वो दिल्ली की टीम जीत नहीं पाई। लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ पर 285 का टारगेट दें मुंबई को जीतने के लिए, अगर यहाँ पर जीतते हैं तो डेफिनेटली जे फ्रेजर मैन ऑफ द मैच बनेंगे। और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की उनकी बल्लेबाजी की सराहना तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि लगातार कंटिन्यूसली 15 बॉलों पर 50 लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए टफ चैलेंज होता है। और जिस तरह से ओपन बल्लेबाजी करते हैं, बुमराह को भी उन्होंने अच्छी तरह से धुलाई की और 18 रन की जो उनके फर्स्ट ओवर में लिए वहाँ से ही गेम पूरी चेंज हो गई, और जे फ्रेजर के लिए खुली अपॉर्चुनिटी थी। और उस तरह से बल्लेबाजी के पूरे माइंड से उन्हें जिस तरह से मैनेजमेंट ने बैक किया है, और वो भी अपने बल्लेबाजी से दिल्ली की हर एक मैनेजमेंट को खुश कर रहे हैं। उनका खेलने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है, वो हर बॉल को ऊपर ही ले जाना चाहते हैं, यानी कि छक्के और चौकों के लिए डील करना चाहते हैं। ऑन द आप शॉट खेलते हैं, यानी कि पिकअप शॉट खेलना वो अच्छी तरह जानते हैं, और वो आउट होने से बिल्कुल नहीं घबराते। जब कोई बल्लेबाज आउट होने से नहीं घबराता है, जो इसी तरह की पारियाँ डेफिनेटली एक दो मैच में फ्लॉप हो जाए लेकिन डेफिनेटली ऐसी पारियाँ जरूर आएंगी। जे फ्रेजर के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आगे आने वाले मुकाबले में वो क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, या ये आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाए। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।